हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समझदार की नगर। आज हम लोग क्लास टेन मैथ इसके जिसका समीकरण है प्रतिस्थापन विधि। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम विलोपन विधि समझ चुके थे। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि समझेंगे और प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में भी हमें एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, तो विलोपन से यह थोड़ा सा जो है ना हट करके बनता है। तो समीकरण एक और समीकरण दो हो गया, तो किसी समीकरण से हम ले सकते हैं, तो समीकरण एक से ले लिया। तो समीकरण एक है आपका 5x प्लस 3y बराबर 35। तो 5x को ले लीजिए यहाँ पर 35, ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा माइनस में। अब x बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 3y, ये गुणा में है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फिर मान लेंगे। अब समीकरण दो में इसमें एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण दो है 2x प्लस 4y बराबर 28। तो 2x के जगह पर इसको दे देंगे 35 माइनस 3y बटे 5 प्लस 4y बराबर 28। अब 35 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 35 गुणा 70 होगा, माइनस का चिन्ह। 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 2 किया 6 होगा। इस 5 को 4 के साथ गुणा करना है तो 5 को 20 होगा। फिर इस 5 को 28 के साथ गुणा करेंगे तो 140। तो घटाएंगे तो माइनस 6y है प्लस 20y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14y बराबर 140, या प्लस में तो माइनस में। तो 14y बराबर कितना हो गया 70, 14 से काट दीजिए इसको 5, और y का मान कितना निकल गया 5। अब y का मान निकल गया तो हमें x का भी मान निकालना पड़ेगा। तो इस y का मान हमें किस में रखना पड़ेगा, 3 में रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 35 माइनस 3 y की जगह पर 5 कर देंगे तो 35 माइनस 15 0 घटा देंगे तो 20 होता है, 5 काट देंगे। x का मान 4 निकल गया और y का मान 5 निकल गया। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को